पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, अगर आपके पास एक एलसीआर सर्किट है तो ये आपका इम्पीडेंस ट्राइंगल है, इम्पीडेंस ट्राइंगल है। इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या होता था, ये आर है, ये जेड है, याद करो कॉस फाई निकालता था, कॉस फाई क्या आता था, आर बाई जेड। इस कॉस फाई को ही क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ये याद कर लो और ब्लॉक में डालो, इसे बॉक्स में डालो, पावर फैक्टर का फॉर्मूला कॉस फाई या आर बाई जेड। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है, ठीक है। दूसरा तो पॉइंट समझ में आ रहा है, पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। अब इसमें अगर आपको याद हो एवरेज पावर हमने क्या निकाली, ईवी आई वी कॉस फाई, तो इसके अंदर ये जो कॉस फाई है, ये जो कॉस फाई है, इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ईवी और आईवी के मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं अपेरेंट पावर, और इस पी को बोलते हैं या तो एवरेज पावर या ट्रू पावर। याद रखना, ट्रू पावर इज अपेरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर, ये पावर के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है यहाँ तक?